जय श्री राम सभी को। और आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आ गए हैं द ऑल न्यू मारुति अर्टिगा ZXi CNG वेरिएंट, वो भी ब्लैक कलर के अंदर। लेटेस्ट ऑफर और लेटेस्ट नवरात्रि के जो डिस्काउंट हैं आपको इस वीडियो में पूरे बताएंगे। और अपने सामने इसका टॉप एंड वेरिएंट है जो ZXi CNG के नाम से भाई जाना जाता है। 7 सीटर के मामले में इस गाड़ी ने अलग ही भाई साहब रुतबा बना रखा है। और इसी के ठीक बगल में अपने पास इसका बेस मॉडल भी है जो है अपना VXi CNG वेरिएंट। इसमें अलॉय लगे हुए हैं अलग से। पूरी वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताएंगे, VXi के बारे में भी थोड़ी डिटेल्स हैं और ZXi के बारे में भी क्या क्या फीचर्स का डिफरेंस आ जाता है टॉप मॉडल अर्टिगा के अंदर और बेस मॉडल के अंदर, वो भी हम लोग इस वीडियो में पूरा कवरअप करने वाले हैं। और भाई ये है अपने सामने अर्टिगा का बढ़िया सा इंटीरियर। नो डाउट भाई 7 सीटर कम्फर्ट में ना इस गाड़ी ने अलग ही भाई नंबर ले रखे हैं। बिल्कुल 5 में से 5 है भाई कंफर्ट के मामले में इस गाड़ी में। बजट को देखते हुए ये गाड़ी अभी तक की टॉप सेलिंग 7 सीटर CNG कार बन जाती है। इसका कंपटीशन अभी तक कोई नहीं है, बस टोयोटा के शोरूम में आपको ना रूमियन मिल जाती है, वो भी भाई ये सेम गाड़ी है मैं आपको बता दूँ। और 60 से 70 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ जाता है रूमियन और अर्टिगा के प्राइसेस में। और शुरुआत करते हैं भाई, चाबी दिखाते हैं पहले तो भाई की जो है ना अपनी कुछ ऐसी मिल जाती हैं लॉक अनलॉक के फंक्शन के साथ, बढ़िया सी अपने को कीलेस एंट्री वाली की मिल जाएगी। फ्रंट में जो लुक है कुछ ये मिल जाती है आपको ब्लैक कलर के अंदर। भाई गाड़ी में ना ब्लैक कलर अलग ही दिख जाता है, हालांकि हाई मेंटेनेंस वाला कलर है। आपको ना थोड़ा सा इसमें PPF वगैरह अगर करा लेते हो ना तो पेंट थोड़ा सा लंबे समय तक अच्छा रहेगा। और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। ग्रिल की डिज़ाइन की बात करें तो कुछ ये मिल जाती है एज इट इज़। फ्रंट में फॉग लैम्प भी अपने को मिल जाएंगे। और भाई बम्पर का डिज़ाइन ना ब्लैक कलर में इस गाड़ी की रौनक अलग ही लगती है। अगर आप वाइट से कंपेयर करते हो तो खिली खिली सी लगती है, लेकिन ब्लैक से ये माफिया लुक आ जाता है इस गाड़ी के अंदर सच में। अभी तक आपको मारुति की तरफ से ब्लैक में काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। अब तो वैगनार भी आ गई है, उसकी भी वीडियो आपको बहुत ही जल्दी चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। साइड प्रोफाइल की बात करें ना तो यहाँ पे सबसे बढ़िया मुझे लगते हैं इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स, जिनका डुअल टोन फिनिश में अपने को R15 साइज़ में मिल जाता है। 185/65 R15 का टायर है। अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है। फ्रंट में डिस्क मिलती है, रियर में लेकिन अपने को ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं। और साइड में कुछ ये है भाई, 4400 mm की लेंथ है, 2740 mm का व्हील बेस है। और ये है भाई गाड़ी का जो व्हील बेस बड़ा है ना, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे स्पेस काफ़ी खिल के निकल आता है, कोई भी बंदा आराम से बैठ सकता है। और सेंटर में आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, तो आपको कंफर्ट की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे मिलता है बढ़िया सा अपने को क्रोम डोर हैंडल रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। और डोर खोलोगे आप ना जैसे ही तो ये कुछ आपको मिल जाता है फिनिश। वुडन की जो फिनिशिंग है ना आपको ZXi वेरिएंट में स्टॉक मिलती है कंपनी की तरफ से, एज एन एक्सेसरी आपको नहीं लगवाने की ज़रूरत है। और ऊपर अपने को ये डोर वाइजर्स एज एन एक्सेसरी हैं। ऊपर रेडियो एंटीना मिल जाता है जो आप ये चेक कर रहे हो। और अब चलते हैं भाई पीछे की लुक की भी दिखा दें, तो ये है कुछ ओवरऑल अर्टिगा की पीछे की लुक। बैक प्रोफाइल भी क्रोम के एलिमेंट्स में काफ़ी अच्छी लगती है, जो क्रोम की आप लाइनिंग देख रहे हो ना ये अलग ही लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड कर देती है। और ऊपर अपने को डिफॉगर वाला ग्लास, वाइपर, वॉशर, स्टॉप माउंट लैंप, CNG का स्टिकर मिल जाएगा। और टेल लाइट का डिज़ाइन कुछ ये है। CNG सिलेंडर आपको दिखाते हैं, तो ये है इसका CNG सिलेंडर। 65 लीटर की कैपेसिटी का CNG सिलेंडर आ जाता है, करीब 9 से 10 किलो गैस आराम से आ जाएगी अगर प्रेशर अच्छा मिलता है तो। और सीट का जो एडजस्टमेंट है ना थर्ड रो पे, वो आपको मैं एक बार फिर दिखा दूं, तो ये हो जाता है सीट का एडजस्टमेंट। आप आराम से इस गाड़ी में कंफर्टेबली रियर वाली सीट में भी बैठ सकते हो। अभी एक्चुअल में कितना क्या स्पेस है वो भी आपको पूरा ज़रूर दिखाते हैं। और स्पेयर व्हील की बात करें तो गाड़ी का स्पेयर व्हील आपको नीचे मिलता है यहाँ पे। और अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर साइड की तरफ, तो डोर जैसे ही खोलेंगे इग्निशन को करते हैं ऑन, तो ये कुछ आपको वही मीटर मिल जाता है काफ़ी प्यारा सा, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर बढ़िया सा। और स्पीकर की बात करें तो 4 स्पीकर मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। और ये है 7 इंच का टच स्क्रीन,
एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ मिल जाएगा। गाड़ी में सीट एडजस्टमेंट की बात करें, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, आप आराम से इसको रिक्लाइन भी कर सकते हो। और ये है अपने पास बढ़िया सी स्टीयरिंग, जिसमें अपने को एडजस्टमेंट मिल जाती है, यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं। और ये है अपने पास हेडलैम्प, जो कि भाई हाई बीम लो बीम सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे वॉशर वाला है। और ये है कुछ मीटर सीएनजी का, आपको जो फ्यूल है ना कुछ यहाँ पे मिल जाता है, आप पेट्रोल सीएनजी पे स्विच कर सकते हो, ट्रैक्शन ऑफ ट्रैक्शन ऑन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ। और ये अपने को सीट बेल्ट रिमाइंडर यहाँ पे और मिल जाता है, क्योंकि भाई काफ़ी काम का फीचर है। यहाँ पे स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ये पेट्रोल है, और ये अपने को सीएनजी वाला डंडा मिल जाता है यहाँ पे। और ये है कुछ इंटीरियर का डिज़ाइन, भाई साहब काफ़ी अच्छा इंटीरियर है गाड़ी के अंदर। और ये है अपने को 5 गियरबॉक्स, रियर में कैमरा हालांकि नहीं मिलता है आपको, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाती हैं, पहले क्या था स्क्रीन पे आ जाता था, लेकिन अब यहाँ पे कंपनी ने कुछ ऐसे करके दिखा दिया है। और ये है अपने को एसी वेंट्स, यहाँ मिल जाती है अपने को एडजस्टमेंट, वैनिटी मिरर, टिकट होल्डर, और ये है अपने पास आर्मरेस्ट, काफी बढ़िया सा स्लाइडेबल है ये आर्मरेस्ट भाई, स्पेस काफी अच्छी है, छोटी सी बिल्कुल। यहाँ पे एयर कूल्ड अपने को कप होल्डर मिल जाता है, 12 वोल्ट का आउटपुट चार्जर है, यूएसबी अपने को मिल जाती है कारप्ले कनेक्टिविटी के लिए, जो कि काफ़ी सही है। ग्लोबॉक्स का साइज कुछ ये है अपने पास, ऑटोमेटिक एसी है, और ये सारे के सारे फीचर हैं अपने पास मारुति अर्टिगा के जेड एक्साई वेरियंट के अंदर। और अब चलते हैं पीछे वाली सीट की तरफ। तो भाई पीछे वाली सीट में ना ये डोर आप चेक कर सकते हो भाई, काफ़ी बड़े साइज़ का है, और स्पेस भाई गाड़ी में कुछ ये निकल के आ जाता है। आर्मरेस्ट एडजस्टमेंट सीट, अगर आपको पीछे जाना है तो आपको ये सीट यहाँ से हटानी है, और ऐसे करके आप इसके पीछे वाले रोज में जा सकते हो। हम लोग चलते हैं पीछे वाली सीट्स को चेक करते हैं कैसी हैं। तो ये हमने कर ली है, और इसको पीछे वाली सीट को ना, रियर वाली सीट्स को आप आराम से एडजस्ट भी कर सकते हो हेडरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा चीज़ें कंफर्टेबल है, आप लॉन्ग ट्रिप्स में आराम से सीट में आराम से बैठ के जा सकते हो। एक अपने को पोर्ट यहाँ मिल जाता है, कप होल्डर है, इस साइड भी कप होल्डर मिल जाएगा प्रॉपर, बैठने में जगह की कोई कमी नहीं है, आराम से आप जा सकते हो। और रेक्लाइन में ये आप इसको आराम से इतना मतलब मैक्सिमम है ये अभी तक रेक्लाइन जो है इस गाड़ी का। और आपको अगर फिर जाना है आगे तो इसको ऐसे कुछ करना है, और इसको आपको बस हटाना है। एक सिलेंडर अपने को यहाँ और मिल जाता है अर्टिगा के अंदर। पीछे वाली सीट्स ना आप लॉन्ग ट्रिप्स में आराम से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अरे भगवान, अब चलते हैं इसकी मिडल वाली सीट को भी देख लें कैसा है सिस्टम। सबसे अच्छी चीज़ 120 वॉट्स का आउटपुट चार्जर है, आर्मरेस्ट है, 3 जने आराम से बैठ सकते हो अगर आर्मरेस्ट अपना यहाँ पे नहीं है। इंटीरियर गाड़ी का कुछ ये मिल जाता है मारुति अर्टिगा के अंदर, भाई इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। और ये है एसी का फ्लो, जो अपने को सेकेंड रो तो अच्छी से मिली जाती है, थर्ड रो पे अगर आपको एसी का फ्लो चाहिए ना वो भी काफ़ी बढ़िया से आ जाता है, नो डाउट। ये रूफ लाइट यहाँ मिल जाएगी सिंगल, और एक रूफ लाइट अपने को उस साइड आप चेक कर सकते हो मिल जाती है। यहाँ पे भी हैंडल अपना सॉफ्ट क्लोजिंग वाला है, पीछे वाले हैंडल्स अपने को फिक्स मिलते हैं, और यहाँ पे बॉटल होल्डर भी काफ़ी बढ़िया से मिल जाएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आप चेक कर सकते हो आर्मरेस्ट के पास, ये फ़ोन रखने के लिए अच्छी खासी स्पेस अपने को दे देते हैं। और ये सीट अगर आपको रेक्लाइन करनी है ना तो ये आपको अलग से दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आप इस साइड आराम से करा सकते हो। और अब चलते हैं गाड़ी का बोनेट ज़रूर दिखा दें आपको, और इग्निशन को करते हैं ऑफ। तो ये डिटेल्स अपने को मिल जाती हैं इग्निशन ऑफ करने पे।
ये है अपने पास 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन, बढ़िया सी 101 bhp 136 nm के टॉप के साथ। और ये लगी है सीएनजी किट लैंड रेंजो कंपनी की, ऊपर इंसुलेशन है, नीचे भी इंसुलेशन मिल जाती है सेमी। और ये करते हैं बोनेट को बंद। अब बात करते हैं प्राइसिंग एंड ऑफर्स की। तो फिलहाल गाड़ी में आप अगर ब्लैक कलर लेते हो तो 5000 रुपये तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइसिंग है करीब 14,30,000 रुपये की है, जिसमें आपको डिस्काउंट ऑफर्स लगा सकते हैं। स्क्रीन पे दे नंबर से एक बार कॉल कर लीजिए ताकि आपको बेस्ट डील मिल जाए। बाकी मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर। जय श्री राम।